हेल्पएज इंडिया व सीनियर सिटीजन फोरम सोलन की सौजन्य से नगर परिषद सोलन के सफाई कर्मचारियों सहित निर्धन परिवारों से संबंधित लोगों को कंबल बांटे गए। इस अवसर पर हेल्पएज इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। माल रोड स्थित होटल अमर में आयोजित इस कार्यक्रम में 200 कंबल बांटे गए। इस अवसर पर ब्रिगेडियर MM चोपड़ा ने हेल्पएज इंडिया संस्था को 50,000 का चेक दिया। यहाँ पे सीनियर सिटीजन फोरम की तरफ से हमने यहाँ पे बुजुर्गों को और काफी गरीब लोगों को हमने कंबल बांटा है। लगभग 200 के करीब लोगों को हमने यहाँ पे कंबल बांटा है। इस तरह का जो प्रोग्राम हम लोग हर साल हिमाचल में अलग अलग जगह पे करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है तो यहाँ पे खासकर गरीब बुजुर्ग है और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत जरूरत पड़ती है इस तरह की, तो हम लोग पूरे हिमाचल में इस तरह के प्रोग्राम हम करते जाते हैं। आज ये अलग अलग जगह पे हिमाचल में हम लोग लगभग 1,000 से 1,500 तक के कंबल जो खासकर गरीब बुजुर्गों और जो गरीब लोगों को हम बांटते हैं। तो पैन इंडिया हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स खासकर सर्दियों में ये प्रोग्राम हम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे बुजुर्ग जो कई शेड्स में पड़े हुए हैं, कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनको बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैं खासकर हेल्पेज इंडिया की तरफ से जो सोलन की जो सीनियर सिटीजन फोरम है उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने तरफ से यहाँ पे पिछले एक महीने से पूरा मेहनत करके लोगों जो गरीब लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। और ये जो सीनियर सिटीजन फोरम है इसमें कोई 90 साल के है, कोई 80 साल के, इतने एनर्जी है इन लोगों में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन लोगों के साथ काम करके। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी सीनियर सिटीजन फोरम के साथ हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे।